नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे की जा सकती है, मतलब कितने तरीके हैं जिनसे इंटरमिटेंट फास्टिंग की जा सकती है। देखो, एक तो इंटरमिटेंट फास्टिंग होगी कि तुम एक दिन में कुछ घंटों तक में खाना खाओगे और कुछ घंटों तक में खाना नहीं खाओगे, और एक इंटरमिटेंट फास्टिंग होगी जिसमें तुम पूरे दिन में कुछ नहीं खाओगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि एक दिन में कुछ घंटों में खाना खा सकते हो, कुछ घंटों में खाना नहीं खा सकते, ऐसे कैसे कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है कि तुम करीब 16 घंटों तक कुछ नहीं खाओगे 24 घंटे में से, और बचे हुए 8 घंटों में तुम अपना जितना खाना खाना है खाओगे। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित तरीके हैं जिनसे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उनमें से एक है। ठीक है, इसमें जो 16 घंटे हैं जिसमें तुम भूखे रहोगे, ये 16 घंटे तुम कोई से भी उठा सकते हो 24 में से, पर ज़्यादा ठीक रहेगा कि तुम रात का जो समय है वो इसमें उठा लो, क्योंकि रात का जो समय है उसमें तुम सो रहे होगे तो सोते में हमें इतनी भूख नहीं लगती, तो बहुत कम चांस है कि हम 16 घंटे अगर जगते हुए भूखे रहेंगे ना तो बहुत ज़्यादा चांस है कि हम कुछ उल्टा सीधा खा लेंगे, पर अगर हम सोते सोते उसमें से मान लो 7-8-9 घंटे निकल गए तो कम चांस है कि हम बीच में 16 घंटे के बीच में कुछ खाएंगे। तो हम इसमें गलती करते हैं, बीच में हमारा मन दृढ़ नहीं रहे, हम डिग जाएं, हम कुछ और खा लें, इसकी संभावना कम है। रात को अगर तुम अपने जो खाना नहीं खाने का समय है ये ज़्यादा रात को रखोगे, और फिर आयुर्वेद और शास्त्रों के हिसाब से रात्रि भोजन के नुकसान भी है, तो रात को नहीं खाओगे, 16 घंटे खाना ही नहीं है तो उसमें रात रात को मत खाओ, सिर्फ दिन दिन में खा लो तो और भी बढ़िया है सेहत के लिए भी और धर्म के हिसाब से भी। तो तुम जैसे मान लो सुबह तुमने 9 बजे पहला खाना खाया और शाम को 5 बजे से तुमने अपना आखिरी जो भी खाना था वो खा लिया, ऐसे इसमें थोड़ी और रियायत बरतोगे तो 16 घंटे की जगह तुम मान लो 12 घंटे भूखे रहो और 12 घंटे बचे हुए में खाना खा सकते हो। जैसे कि हमारे शास्त्रों में रात्रि भोजन का त्याग आता है, जैसे शाम को 6 बजे अगर सूर्यास्त होता है 6-7 बजे, तो शाम के 6-7 बजे से सुबह 6-7 बजे तक तुम नहीं खाते तो 12 घंटे रात्रि भोजन का त्याग हो गया और दिन दिन में खाना खा लिया। पर इसमें एक सलाह ये रहेगी कि 12 घंटे नहीं खाने, जैसे तुमने 12 घंटे नहीं खाया तो इसे थोड़ा बढ़ा देना ज़्यादा ठीक रहेगा। 12 की जगह 14 घंटे नहीं खाना, 13 घंटे नहीं खाना, 15 घंटे नहीं खाना, या 16 घंटे नहीं खाना, या अगर हो सके तो 17-18 घंटे तक भी नहीं खाना, मतलब सिर्फ 6 घंटे में ही तुम अपना सारा खाना खा लो और जितना भी तुम्हें खाना है जितना तुम खा पा रहे हो आराम से, और 18 घंटे नहीं खाओ, वहाँ तक भी जा सकते हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि 12 घंटे से थोड़ा ज़्यादा रखना ठीक रहता है। फिर इसे बढ़ाते बढ़ाते तुम इतना भी ले जा सकते हो कि तुमने एक ही घंटे में खाना खाया लगभग और 23 घंटे खाना नहीं खाया, जिसे हम अपने पुराने जो पूर्वजों से प्रथा चली आ रही है उसमें हम एकासन बोलते हैं, एकासना, जिसमें हम एक आसन पे बैठ जाते हैं, मतलब लगभग 40-45 मिनट में हम अपना जितना भी खाना खाना होता है खा लेते हैं और बाकी 23 घंटे कुछ नहीं खाते। एक हो गई एम फास्टिंग, जिसमें क्या होता है कि आप जब भी सुबह उठते हो 7-8 बजे 6 बजे 9 बजे सुबह 12 बजे तक कुछ नहीं खाना, उसके बाद में खाना खाना चालू करना है। ये तो हो गया जिसमें आप दिन में कुछ खा रहे हो। फिर दूसरा हो गया जिसमें आप पूरे दिन में कुछ नहीं खाओ, जिसमें सबसे पहला है उपवास। उपवास क्या होता है, हमारे पूर्वजों से तपस्या का नाम, अपने इस तपस्या का नाम सुना होगा, जिसमें हम पूरे दिन में कुछ नहीं खाते। अब उपवास आज हमने नहीं खाया तो इसमें और क्या हो सकता है, जैसे हफ्ते में हमने एक उपवास कर लिया तो हफ्ते में जैसे 7 दिन है तो एक दिन उपवास कर लिया और 6 दिन खाना खा लिया, या हफ्ते में 2 उपवास कर लिए और हफ्ते में 5 दिन खाना खा लिया 2 दिन उपवास कर लिया, तो आज उपवास कर लिया फिर 2-3 दिन बाद एक और उपवास कर लिया फिर बचे हुए 2-3 दिन खाना खा लिया, मतलब हफ्ते में। और फिर हो गया एकांतर तप, जिसमें आज खाना खाया फिर कल नहीं खाया, फिर परसों खाना खाया फिर तरसों खाना नहीं खाया, फिर एक दिन खाना खाया एक दिन खाना नहीं खाया, एक दिन खाना खाया एक दिन खाना नहीं खाया, ये एकांतर तप हो गया। तुम्हें ये पूरा देख कर ये समझ में आ गया होगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग तो जो नाम है तो विज्ञान ने इन चीज़ों को दे दिया है, पर ये वही सब है जो हमारे पूर्वज, हमारे माई, मतलब हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, उनके जो माता पिता थे वो करते आ रहे हैं तपस्या के नाम पर।
तो ये एक तरीके से तपस्या करने के तरीके जिनको साइंस ने इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम दे दिया है। मतलब एक तरीके से हम इसमें अन्न का जितना त्याग कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पूर्वज ये करते हैं सैकड़ों हजारों साल से, ये वही तपस्या है, इनको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से यहाँ पे विज्ञान के तरीके से समझ रहे हैं। मैं इनको तपस्या नाम से भी वीडियो डाल सकता था, पर क्या बॉडी बिल्डिंग फिटनेस इस तरीके का चैनल है, लोगों को लगे तपस्या तपस्या क्या है, तपस्या तपस्या के नाम पे क्यों डाल रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से ही डाल रहा हूँ, ताकि लोग उसी बहाने आकर के समझे तो सही कि हमारे जो पूर्वज तपस्या करते थे, जो करते हैं, उसका महत्व क्या है जिंदगी के लिए। आगे मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो तपस्या के जो तरीके हैं इनका आगे मैं तुम्हें फायदा बताऊंगा। और मैंने जैसे तुम्हें बताया रात्रि भोजन के काफी नुकसान होते हैं, काफी अच्छा है कि अगर हम दिन के समय में अपना खाना खा लें। बाकी इन सब चीजों में आगे आने वाले काफी वीडियोज में बहुत डिटेल में बात होंगी। ये जो उपवास कर रहे हैं, वैसे तो देखो तपस्या के हिसाब से तो उपवास वाले दिन कुछ नहीं खाया जाता, पर विज्ञान के हिसाब से अगर तुमसे एक दिन पूरे दिन बिना खाने के नहीं रह जा रहा तो तुम 200 300 400 500 600 कैलोरी तक तुम उस दिन खा सकते हो, ठीक है। और तुम चाहो तो ये एक दिन दो दिन इससे ज्यादा लंबा भी अपने उपवास ले जा सकते हो। मतलब कई लोग कई दिनों तक, 8 दिन 10 दिन महीने भर तक ले जाते हैं, पर मैंने उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं करी क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के हिसाब से चैनल है। हालांकि ज्यादा लंबा अगर तुम अपनी तपस्या को ले जाते हो तो वो फिटनेस के तो काम की है, पर फिर भी काफी लोग इस तरीके की चीजें नहीं करना चाहते, बॉडी बिल्डिंग फिटनेस वाले खाते पीते रहना चाहते हैं तपस्या के साथ में भी। तो मैंने ज्यादा लंबे की बात नहीं करी, मैंने वही बात करी जो विज्ञान भी करता है, हफ्ते में एक दिन दो दिन भूखा रहने तक की, ठीक है। इसके अलावा भी काफी तरीके हो सकते हैं तपस्या करने के, फास्टिंग करने के, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के लिए, पर जो सबसे ज्यादा फेमस है वो ये है कि दिन में करीब 16 घंटे कुछ नहीं खाना और 8 घंटे में अपना खाना खा लेना, क्योंकि ये सबसे आसान है, इसमें पूरे दिन भूखा भी नहीं रहना पड़ता और 8 घंटे ठीक ठाक समय है अपना खाना खाने के लिए। और जो पूरे दिन भूखा रहने वाले हैं उसमें सबसे ज्यादा फेमस उपवास है कि पूरे दिन कुछ नहीं खाना, और हफ्ते में एक बार दो बार तीन बार जितनी बार भी तुम करना चाहो ऐसा कर सकते हो, या एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकते हो। और अगर आप धार्मिक नजरिए से देखें तो बहुत लोग धर्म में भी ऐसा करते हैं, जैसे मुस्लिम्स में रोजे रखे जाते हैं रमजान के महीने में, तो वो दिन में कुछ नहीं खाते रात को खाते हैं, तो वो एक तरीके से उनकी ये इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई। हिंदू धर्म में या और भी कई धर्मों में जैसे व्रत रखे जाते हैं, जैसे कड़वा चौथ का व्रत हो गया, औरत पूरे दिन कुछ नहीं खाती, या फिर कई कई दिन होते हैं ऐसे जैसे अमावस को या पूर्णमासी को या एकादशी, इस तरीके कई कई दिन होते हैं जिन कुछ कुछ धर्मों में उन दिनों पे नहीं खाया जाता, तो वहाँ पे इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है, आपके शरीर के जो भी फायदे होने तो हो जाते हैं। जैसे हम जैन हैं, जैसे मैं जैन हूँ, तो जैनियों में क्या होता है, हम तपस्या करते हैं, जैसे मान लो उपवास करा तो हम ये मानते हैं कि हम खाना नहीं खा करके हमने शरीर को कष्ट देकर के हम अपनी आत्मा से कर्म क्षय कर रहे हैं, कर्म दूर कर रहे हैं, पाप कर्म हटा रहे हैं। तो और ऐसा जैन धर्म में ऐसा बहुत लंबे लंबे समय तक किया जाता है, लोग एक एक महीने तक नहीं खाते, मैंने मेरे ख्याल से सबसे ऊपर 120 या 142 दिन तक सुन रखा है लगातार किसी ने नहीं खाया। तो ऐसा मतलब ये धर्मों में अलग अलग तरीके से बताया गया है जो कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के क्या फायदे होते हैं मैं आगे डिटेल में बात करूंगा, पर ये देख लो कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से इसे किया जाता है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो। मैं तुमसे अगले वीडियो में, नमस्कार।